अरे यो नेक वक्त, तू कौन है, कहां से आई है, इतनी रात गए, क्या आपको ये नहीं पता कि मध्य रात्रि के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता। मुर्दा जलाने के लिए तुझे सुबह आना चाहिए था, और अगर तू रात में जलाना भी चाहती है तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या तुम विधवा हो, क्या तेरा पति नहीं है जो इस मृतक बच्चे को लेकर के तू स्वयं आई है। खैर इस बात का जवाब ना दे, मुझे कोई दुख नहीं, परंतु ये बता तूने इन शमशान भूमि के नियमों का उल्लंघन क्यों किया है। ना तो तूने कर दिया, ना तूने कफन दिया, तो बोल किसके कहने से इस चिता को जलाने का कार्य कर रही हो, कौन है वो। हे ईश्वर के नेक बंदे, मैंने किसी के कहने पर इस चिता को जलाने के लिए तैयार नहीं किया, और ना ही मुझे ये पता कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे भी हो। तो फिर क्या पता था तुझे, क्यों चली आई यहाँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा एक बेटा था, और वो बेटा आज मुझे छोड़कर चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। एक मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीने का सहारा मेरा लाल यही था, आज ये भी नहीं रहा। अरे तू तो बड़ी दुखिया है, परंतु मुझे इससे क्या लेना देना है। मैं अपने स्वामी का नौकर हूं, और मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि उसकी आज्ञा का पालन करूं। औरत तुम्हें कर कफन देना होगा। आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मुझ दुखिया ने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं, केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर ऐसे हालात में मैं आपको 125 रुपये और कफन कहां से लाऊं। अगर तेरे पास करोड़ कफन नहीं है तो इस लाश को ले जा यहां से। नहीं, इतना अन्याय मत कीजिए, मैं कहां जाऊंगी, कहां अपने पुत्र की लाश को ले जाऊंगी। आखिरकार मैं तेरे पे क्या अन्याय कर रहा हूं, मैं तो कर मांग रहा हूं। आप कर मांग रहे हो, आप अपने नौकर वाला फर्ज निभा रहे हो, लेकिन आपने अभी पूछा था कि इस दुनिया में क्या मेरा पति नहीं है। मेरा पति भी है। अच्छा। और मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं आपको भलीभांति पहचान गई हूं। देखिए महाराज, अपनी आंखों से देखिए, ये जो औरत आपके सामने खड़ी है कोई गैर नहीं, आपकी अपनी ब्याही तारा है। और ये जो मरने वाला बेटा है, ये भी किसी गैर का नहीं, हमारा इकलौता लाल आपका रोहित है महाराज, आपका रोहित है। मेरा हृदय क्यों टिमटिमा रहा है। औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और वो कलंक तूने अपने सिर लगा लिया है, इसलिए अभी जो तूने कहा था कह दे ये झूठ है, तू तारा नहीं है और मरने वाला रोहित नहीं है, कह दे ये झूठ है। काश ये झूठ होता, काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है महाराज, यही। ओ दुनिया वाले, कौन सी अधोगति को पहुंचाना चाहता है मुझे, कितनी परीक्षा लेना चाहता है मेरी। मैं दुनिया के बगैर जी सकता हूं, परंतु रोहतास के बगैर नहीं जी सकता। और अगर यह सच है कि मरने वाला मेरा ही बेटा है,
और तू मेरी पत्नी है तो फिर सारा सत्यानाश एकदम हो जाने दे। ला एक बार कर और कफन अदा कर, उसके बाद यह बदनसीब बाप पहला ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपने हाथों से जलाएगा। आज अपने कुल की बेल वंश को समाप्त कर दूंगा। ना कर और कफन दे मुझे। क्षमा कीजिए महाराज, मुझ दुखिया के पास आपको देने के लिए 100 रुपये और कफन नहीं है। अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है तो जा, चली जा यहां से और अपने इस बेटे को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं, इतना जोर मत जमाइए पिताजी। अगर कर नहीं तो मुर्दा नहीं जलाने दूंगा, मुर्दा नहीं जलाने दूंगा। आखिरकार मैं आपकी ब्याही तारा हूं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में। अच्छा, रानी तेरी में। आज रानी है, थोड़ी देर पहले तो नहीं थी। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, वो कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। रानी सत्संगी हूँ, जो कह दी ना बड़ा थवाऊ, मिस रानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी ही अर्धांगी हूँ। हे सजनों, जब तारा ने कहा वक्त है कह तो कुछ भी ले, पर आखिरकार तेरी ब्याही हूँ, अर्धांगनी हूँ। इसका जो जवाब दिया लिखने वाले कवि की कलम का कमाल देखिए। अच्छा लगे तो बताना, सुनिएगा क्या अब की बार कहना क्या कहा था। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। नजर में बंकी हूँ। ओ समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, पानी तेरी में, पानी तेरी में। तेरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी। Thank you.
में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन छोटे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। याद करिए उस समय को, कभी वो भी समय था कि जब आप रोहतास को मेरे रोहित को अपनी गोदी में बिठा कर खिलाया करते थे, उसके लाड लड़ाया करते थे। लेकिन आज अपने इकलौते लाल रोहतास के कवर की लाश को ठोकर से ठुकरा रहे हो। नहीं, इतने पत्थर दिल मत बनिए पिया जी, अपना पिता वाला फर्ज निभाइए। तारा कहा करते हैं, क्या रस्क किसी की किस्मत का, क्या किसी से हमने कहना है। कहना है, यह तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लहना है। निर्भागों की तकदीर कहां जो टकराए मुकद्दर वालों से, किस्मत वाले सुख भोगेंगे, हमको तो दुखी सहना है, हमको तो दुखी सहना है। शायद जब तक मेरी जिंदगी है तब तक प्रारब्ध ने मेरे लिए दुख लिख दिया है, इसलिए दुख के आगे क्या रोना, अपना फर्ज निर्वहन करूंगा। अब बता क्या कहना चाहती है। ये नालाना था पास तने, बागों बीच फूक देती हो नालाना था पास तने। हेरे लात चिता में मत मारे यो, पालिया था रोहतास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन दियो नालास तने, बिना दिए महसूल ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी दर्द बांटेंगे, लेकिन इस परमात्मा ने मुझे आपसे मिलाया भी तो ये किस मोड़ पे लाके मिलाया, किस रास्ते पे लाके मिला दिया। आप मेरा दर्द बांटने की वजह मेरा दर्द और बढ़ा रहे हो, मुझसे 125 रुपया और कफन मांग रहे हो। अरे आप क्या जानो माँ की ममता क्या होती है, आप क्या जानो माँ का प्यार क्या होता है। पिया जी, एक औरत के लिए माँ बनना उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है। जब औरत पहली बार माँ बनती है तो बड़ी खुश नसीब माँ होती है, लेकिन जिस औरत की आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है।
रोहित, मेरा लाडला बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, हाँ। मुझे छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया पिया जी। मेरी गोदी सूनी हो गई, मैं तो बाज की बाज रह गई महाराज। फिर भी मेरा दर्द नहीं बांट रहे हो, फिर भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं दे रहे हो। अगर तुझ में सुनने की शक्ति है तो एक बात और सुन, और सुन दे। तारा तू भी सुन, और जितनी जीव आत्मा इस धरती पे मौजूद हैं वो भी सुने, जितनी जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली हैं वो भी सुने, और जितनी जीव आत्मा इस धरती से चली गई हैं वो भी सुने। दुनिया बदल सकती है, दुनिया के नियम बदल सकते हैं, प्रकृति अपना आपा खो बैठ सकती है, परलय होने से पहले दुनिया में महाप्रलय आ जाए, स्त्री बालक और राजकीय गद्दी का हजार बार परित्याग क्यों ना करना पड़े, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वचन खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। सुन तारा बोल अखीर मेरा, सवा रुपया और कफन दे, तारा बोल अखीर मेरा, सवा रुपये में कल किया कंठी और यो ले जाचीर मेरा, इस सच्चा कारे को दे दूंगा के इस पैसा जासीर मेरा, पैसा जसीर मेरा, कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं, घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, और हमारे बड़े ही आदरणीय श्रीमान अनिल टावर, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम इस रागनी पर दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई निरंजन भाई खैर से, उनकी तरफ से भी 50 रुपए राजा हरिचंद की इस रागनी पर पुरस्कार आया है, सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताया, उस ही ढाल रही है तू, ए जिस ढाला रखे परमेश्वर, उस ही ढाल रही।
पूछे करण हर दम शीस झुकइए तू ए जय बस्ती गुरु धाम जय करण हर दम शीस झुकइए तू गुरु शरण चाहो सेवा गुरु शरण चाहो सेवा थाणी तेरी समझ के